दस साल। जी हाँ, बेस्ट सर्विसेज को 10 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन ये जर्नी सिर्फ 10 साल की ही नहीं है, बल्कि उससे भी बहुत पहले की है। मोबाइल फोन जब लोगों की पहुंच तक आए, ये जर्नी तभी से शुरू हुई। 1995 में शैलेंद्र गर्ग ने मात्र 16 साल की उम्र में, जो उम्र खेलने की, पढ़ने की और टीनेज की मस्तियां करने की होती है, उसी उम्र में मोबाइल रिपेयरिंग की एक छोटी सी दुकान खोली। उस समय मोबाइल रिपेयर सीखने के लिए कोई इंस्टीट्यूट या कोर्स नहीं होते थे, फिर भी ये गॉड का गिफ्ट ही था कि शैलेंद्र गर्ग का दिमाग टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से चलता था और ये दुकान भी बहुत अच्छे से चली। इस दुकान में न केवल मोबाइल फोन रिपेयर किए जाते थे, बल्कि मोबाइल फोन और उनकी एक्सेसरीज सेल भी की जाती थी। देखते ही देखते ये न केवल रोहिणी की बल्कि दिल्ली की नंबर 1 दुकान बन गई। ये पॉपुलैरिटी इतनी थी कि रिलायंस ने जब अपना फोन लॉन्च किया तो सर्विस सेंटर के रूप में इन्हें ही चुना और इस तरह खुला भारत का पहला LG का सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर के रूप में शैलेंद्र गर्ग ने बहुत अच्छा काम किया, जिससे न केवल दूसरी कंपनियों के सर्विस सेंटर खोलने का ऑफर मिला, बल्कि सर्विस सेंटर में बेहतरीन मैनेजमेंट और ट्रेनिंग के लिए भी इनवाइट किया गया। धीरे धीरे बहुत सी कंपनी ट्रेनिंग सेशन करने लगी और नए आइडियाज के लिए बुलाने लगी। इस तरह बहुत सारी कंपनियों के साथ काम किया और ट्रेनिंग और सर्विस प्रदान की। LG, मोटोरोला, HTC, हायर, वोवे, ZTE, शाओमी, माइक्रोमैक्स, जोलो, ब्लैकबेरी एंड मेनी मोर। फिर मोबाइल के साथ मौका मिला प्रिंटर्स की सर्विस करने का। इसमें ऑन साइट और ऑफ साइट दोनों तरह की सर्विस प्रदान की। ये सिलसिला 1995 से 2015 तक चलता रहा। 20 साल का एक्सपीरियंस सर्विस और रिपेयरिंग की दुनिया का रहा। इसी बीच 2013 में नींव रखी गई बेस्ट सर्विसेज की और साथ ही आगमन हुआ ईशा गर्ग का। ईशा गर्ग ने एक पत्नी के रूप में जितना साथ शैलेंद्र गर्ग का दिया, उतना ही साथ बिजनेस पार्टनर के रूप में भी दिया, एक से भले दो। अब शैलेंद्र गर्ग ने बागडोर ईशा जी को देकर नए आइडियाज पर काम करना शुरू किया। इसके लिए शैलेंद्र गर्ग चीन गए और वहां उन्होंने कई नई तकनीकों को समझा और सीखा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फैक्ट्री स्टोर ट्रेसी का। यहाँ पे एसेसरीज आपको मोबाइल से रिलेटेड सभी एसेसरीज, डिस्प्ले, टच, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नई तकनीक पर काम करते हुए कुछ ही वक्त बीता था कि समय ने करवट बदली और बुरा वक्त शुरू हुआ। नई तकनीक पर सफलता अभी मिली नहीं थी और कुछ लोगों के बहकावे में आकर उन्होंने अपने सभी सर्विस सेंटर त्याग दिए। एक समय ऐसा आया जब उनके पास कोई काम नहीं बचा था, ना तो सर्विस सेंटर बचे और ना ही नई तकनीक को लॉन्च कर पाए थे और फाइनेंशियल क्राइसिस खड़े हो गए। लेकिन हिम्मत को ना हारते हुए, खुद पर भरोसा रखते हुए, पूरी मेहनत से दिन रात जुटकर उन्होंने अपने सपने को कामयाब करके दिखाया।
और ये नई कामयाबी थी ग्लास चेंजिंग मशीन यानी कि OCA लेमिनेशन मशीन। मशीन पर कामयाबी हासिल करने के बाद मार्केट में स्टैंड होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। इस प्रकार मशीन द्वारा ग्लास चेंज करके LCD फोल्डर, स्पेयर पार्ट्स एंड एक्सेसरीज का काम पूरे इंडिया में जोर शोर के साथ किया गया। लेकिन क्योंकि शैलेंद्र गर्ग केवल सेलर और सर्विस प्रोवाइडर नहीं थे बल्कि वो ट्रेनर भी हमेशा से रहे, इसलिए उन्होंने अभी भी यही किया। ग्लास चेंज मशीन उस समय की एक छुपी हुई तकनीक थी। जिस किसी को भी इस मशीन पर काम करना आता था उसके लिए ये सोना उगलने वाली मशीन थी। जी हाँ, उस समय में शैलेंद्र गर्ग ने ये तकनीक न केवल दुनिया के सामने खोलने का फैसला किया बल्कि फ्री में सिखाने का भी फैसला किया, और इस तरह शुरू हुआ एक नया आगाज। दूर दूर प्रदेश से लोग सीखने आने लगे। ग्लास चेंज करना जैसे जादू के समान था। लोगों ने शैलेंद्र गर्ग को अपना गुरु मान लिया। ज्ञान का इतना विस्तार हो गया कि जन जन तक पहुंच गया और जन जन शैलेंद्र गर्ग तक। देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग मशीन खरीदने और ट्रेनिंग लेने के लिए आने लगे, जैसे नेपाल, बांग्लादेश, दुबई, साउथ अफ्रीका आदि। इसके परिणाम स्वरूप शैलेंद्र गर्ग को जान से मारने की धमकी भी मिलने लगी। लेकिन वो रुके नहीं। अप्रैल 2017 में OCA लेमिनेशन मशीन के साथ ग्लास चेंज सिखाने वाला बेस्ट सर्विसेज भारत का पहला इंस्टीट्यूट बना और दिसंबर 2017 में बेस्ट सर्विसेज की अपनी ब्रांड मॉडल BST1 OCA मशीन लॉन्च की गई। OCA मशीन की ट्रेनिंग देने के दौरान ही शैलेंद्र गर्ग को ये ज्ञात हुआ कि आज भी मोबाइल रिपेयरिंग की तकनीक लोगों को नहीं पता है। जो भाई लोग रिपेयर कर रहे थे वो भी निचले लेवल पर ही रिपेयरिंग कर पाते थे, उन्हें चिप लेवल पर रिपेयरिंग करने नहीं आती थी। इसी सोच पर काम करते हुए उन्होंने 2018 में मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर चिप लेवल तक की पूरी तकनीक सिखानी शुरू की। इस इंस्टीट्यूट के साथ ही मोबाइल टूल्स और स्पेयर पार्ट्स का काम भी शुरू किया गया और बेहतरीन क्वालिटी के टूल्स उपलब्ध कराए गए ताकि चिप लेवल रिपेयरिंग को अच्छे से किया जा सके। मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग को एक लेवल पर ले जाते हुए शैलेंद्र गर्ग ने चीन की टॉप मोस्ट आईफोन ट्रेनिंग टीम फोनकॉम को 2019 में भारत बुलाकर 10 लाख रुपए की ट्रेनिंग को 1 लाख रुपए में कराकर एक नया इतिहास रचा। भारत के तकरीबन हर स्टेट के रिपेयर भाइयों ने इस मौके का लाभ उठाया और आज सभी अपने क्षेत्र में टॉप पोजीशन पर काम कर रहे हैं। फोनकॉम की भारत जर्नी इतनी सक्सेसफुल रही कि एक बार फिर ये इवेंट 2020 में भी कराया गया। इसके बाद शैलेंद्र गर्ग स्वयं भी अपना ज्ञान लेकर लोगों तक पहुंचे, हैदराबाद एक्सपो और दिल्ली एक्सपो के जरिए। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में डीलर बनाए गए और उनके जरिए मशीनों का विस्तार किया गया। लेकिन ये कहानी यहीं रुकने वाली नहीं थी। जैसे टेक्नोलॉजी निरंतर बढ़ती रहती है उसी तरह बेस्ट सर्विसेज भी समय के साथ साथ आगे बढ़ा
और धीरे धीरे लेजर की दुनिया में कदम रखा। लेजर की दुनिया मोबाइल की दुनिया से भी बड़ी है, क्योंकि लेजर फ्यूचर है। CO2 लेजर, फाइबर लेजर, UV लेजर, हर तरह की लेजर बेस्ट सर्विसेज ला रहा है। लेजर के विस्तार के लिए भी कई एक्सपो किए गए, जैसे नोएडा एक्सपो, द्वारका एक्सपो। और एक स्टैंडिंग रिस्पॉन्स भी मिला, जो इस दिशा में और मेहनत के लिए और प्रोत्साहित करता रहा। CO2 लेजर में खास तौर पर CO2 के सॉफ्टवेयर में बेस्ट सर्विसेज का नाम सबसे ऊपर है। मशीन, रॉ मटेरियल एंड टूल्स सेल करने के साथ ही बेस्ट सर्विसेज ने मैन्युफैक्चरिंग करने का भी निर्णय किया। हालांकि भारत जैसे देश में मैन्युफैक्चरिंग करना काफी कठिन काम है, फिर भी कई सालों की मेहनत के बाद इस क्षेत्र में कुछ सफलता हासिल की गई। कुछ प्रोडक्ट्स जैसे OCA मशीन, बबल रिमूवर, बैक स्कैन आदि की प्रोडक्शन शुरू हुई, लेकिन इस दिशा में मेहनत अभी बाकी है। ये है शैलेंद्र गर्ग और बेस्ट सर्विसेज की कहानी। खुशी होती है ये देखकर कि एक आदमी ने कितने लोगों को बिजनेस करने की राह दिखाई। लोगों के साथ बेस्ट सर्विसेज ने भी ग्रो किया। एक छोटी सी किराए की दुकान और एक स्टाफ के साथ शुरू की गई ये जर्नी आज एक कंपनी और आप सब लोगों के साथ यहाँ खड़ी है। थैंक यू।